भारत के कुछ युद्धपोत गोताखोर जहाज समुद्री सीमा की पेट्रोलिंग करने वाले विमान और कुछ युद्धक विमान अग्रिम पंक्ति में तैनात कर रखे हैं ताकि उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तान में के चल रहे एक बहुत बड़े नौसैनिक अभ्यास की पर नज़र रखी जाए। पाकिस्तान अपनी युद्ध क्षमता के आकलन के लिए इस नौसैनिक अभ्यास के दौरान अगले कुछ दिनों में मिसाइल और रॉकेट भी फायर करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्तियां हैं और ऐसे में दोनों देशों को कश्मीर का मुद्दा सुलझा लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों देशों के बीच मुद्दा सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह बातें संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधित करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ट्रंप ने कहा कि अगर आप दोनों प्रधानमंत्रियों की तरफ देखें तो वे दोनों मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने उनसे ये भी कहा है कि ये संयुक्त रूप से मसला सुलझा लेना चाहिए क्योंकि वे दो परमाणु शक्तियां हैं। बता दें कि ट्रंप ने सोमवार को इमरान खान से बातचीत की थी और इसके बाद अगले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत भी की थी। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने कश्मीर पर एक और विवादित बयान दिया है आपातकालीन प्रस्ताव पारित करके। भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की है और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने लेबर पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ होने वाले सालाना समारोह को रद्द कर दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। इसने लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। ब्रिटिश भारतीय समुदायों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ गहरा आरोप प्रकट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी वाले लफ्जों में कहा है कि वो 1971 वाली गलती ना करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार सुझाव दे चुका हूँ कि वह 1965 और 1971 वाली गलती ना करें। उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश सामने आया था, इसलिए 1971 की गलती मत दोहराना वरना पीओके का क्या होगा उसे अच्छी तरीके समझ लेना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बना रहे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को पूर्व दस्यु सरदार मलखान सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 12वीं सदी में अजमेर के राजा पृथ्वी चौहान के जीवन पर फिल्म बना रहे एक्टर प्रोड्यूसर अक्षय कुमार को उस फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए अन्यथा वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। Shopee, J&K's biggest mobile wholesale cum retail outlet.